और दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये वीडियो आपका पास जेआईबी एग्जाम नंबर 2022 की हम बात कर रहे हैं। वन मंथ चैलेंज प्रोग्राम यानी एक महीने में किस तरीके से पास कर सकते हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ बातें समझते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो ही समझ में आएगा कैसे क्या करना है। पहला चीज है कि आप जो जेआईबी दे रहे हो नवम्बर 2022 में, ठीक है, यहाँ पर भी आपको 3 पेपर होते हैं, पर जैसे ही ये मई 2023 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 पेपर्स हो जाएंगे आपकी। हम ये बोल सकते हैं कि ये आपके लिए एक तरीके से लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि अभी आप 3 पेपर दे रहे हो, आगे 4 देना पड़ जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अब हम आते हैं थोड़ा सा और इसका बैकग्राउंड लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। JAIIB के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हो गया प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स में दो चीजें आती हैं, एक तो हो गई जो मैकमिलन बुक की थ्योरी होती है, और दूसरा हो गया आउटसाइड बुक से भी आएगा। तो यहां 70% सवाल इसी से आता है और यहां से 30% आता है। उसके बाद आ जाइए अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल बोल के होता है, जहां से 20% सवाल आती है आपको, ठीक है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे 60% सवाल हो गया, यहाँ 20% और यहाँ पे 20%, ये इस तरीके का इसका बन गया। अब आएंगे लीगल। लीगल में आता है सिचुएशनल एनालिसिस का क्वेश्चन, यहां से भी 20% का सवाल होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके का पेपर का सेटअप है। अब हमारे लिए एक महीना है और हमें एक महीने में ऐसा पढ़ना है कि हम पक्का पास करें, ठीक है, पक्का 100%। तो आप पास बिल्कुल कर जाएंगे। और यहाँ जो मैकमिलन बुक है इसको पढ़ने अगर आप जाते हैं, 700 पेजेस का बुक है, मल्टीप्लाई बाय 3 2100 पेजेस हो गया, ये कोई नहीं पढ़ सकता इतना कम टाइम में, ठीक है, जहाँ आप नौकरी भी कर रहे हैं। तो हमें ऐसा चाहिए कि सब कुछ क्रिस्पी क्रंची हो। और एक चीज़ और बोलूँगा कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ये बोलते हैं कि मैं 10 मिनट का ही टाइम दे पाऊँगा, क्या मैं एग्ज़ाम को पास कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल पास कर सकते हैं, इसका टेंशन मत लीजिए। अब 10 मिनट देंगे तो भी पास कर जाएंगे हर दिन, ठीक है, सब चीज़ पे आऊँगा मैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर, चाहे वो मैकमिलन बुक हो, आउटसाइड बुक हो, न्यूमेरिकल हो, सिचुएशनल, सब चीज़ का आपको हम लोग एक वीडियो के फॉर्मेट में पूरा कोर्सेज बनाया हुआ है, ठीक है। आप जब करते हो, जैसे मैकमिलन बुक है तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पॉइंट वाइज अरेंज करके आपको पढ़ाया हुआ है, क्या लाइन बाय लाइन पॉइंट वाइज पॉइंट बाई पॉइंट करके आपको उसमें समझाया हुआ है, बड़ा आसानी सब समझ पाएंगे। अब हम आएंगे स्ट्रैटेजी क्या हमें अडॉप्ट करना है। सवाल ये है हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, स्ट्रेटजी के बिना कुछ काम होगा नहीं। जब हम स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो सबसे स्ट्रेटजी है, और इसको हम सीक्वेंस भी बोलेंगे, ज्यादा अच्छा है सीक्वेंस बोलेंगे, किस तरीके से पढ़ाई करना है। स्टेप वन, सबसे पहला काम है वीडियो कोर्स करिए, ठीक है। इस वीडियो कोर्स में आपको दो प्रकार की कोर्सेज दिखेंगे, वर्जन वन जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट वीडियोज, और दूसरा हो गया प्लस वर्जन टू। ये दोनों के दोनों ही आपको कोर्स दिखेंगे जिसको हम बोलेंगे इन डेप्थ वीडियो, ठीक है। वर्जन वन बहुत सही कोर्स है, जहां आपका टारगेट है 55% से 60% नंबर है, तो आराम से आ जाता है। इसके लिए आपको हर दिन 10 मिनट का समय निकाल के पढ़ें, 16 घंटे का इसमें वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है, ठीक है। यही मैं बोलूँगा कब पढ़िए, क्योंकि हमारे पास समय कम है। हालांकि हम आपको वर्जन टू भी देते हैं, दोनों मिलेगा। इसमें क्या होगा कि अगर आपको 75% एंड अबव नंबर लाना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया कोर्स है, या 80 आवर्स का वीडियो लेक्चर लेना होगा। दोनों में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, समय कम है, हमें वो चीज़ करना जो समय के हिसाब से चलता हो ना, हमें जज्बाती हो कि नहीं पढ़ना है, अच्छा है करके। वर्जन वन
से वर्जन टू, वर्जन टू जो है बहुत बढ़िया कोर्स है, वर्जन वन से लाख गुना ज्यादा अच्छा है। इसमें क्या होता है वर्जन टू में, जैसे मैं भी आपके सामने कैसा बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, टीचर आएगा बोर्ड पे बताएगा समझाएगा, कोई पॉइंट एक्सप्लेन करेगा लिखेगा बोर्ड पे, जस्ट लाइक क्लासरूम टाइप का लगेगा। वर्जन वन में क्या रहेगा कि पॉइंट वाइज करके पूरा बोर्ड पे पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको वन बाई वन करके आपको बताते चलेंगे, इसलिए बहुत जल्दी तरीके से ये खत्म भी हो जाता है और ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाता है। ठीक है, ये सारी वीडियो कोर्सेज जो होती हैं ये रिकॉर्डेड होती है, तो आप इसको कभी भी वॉच कर सकते हैं, वॉच एट एनी टाइम। ठीक है, और हम लोग क्या किए इसको पोर्टल या फिर वेबसाइट से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, वहीं से आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दे देंगे और इसको आप कर पाएंगे। ठीक है, समझा की बात। अच्छा, अब इसमें एक चीज और समझना है आपको, आपको क्या करना है, थिंग्स टू डू, डू नॉट डाउनलोड नोट्स। नोट्स नहीं डाउनलोड करिएगा भाई, कुछ नहीं मिलेगा। डू नॉट डाउनलोड नोट्स, और दूसरा बात है डू नॉट मेक नोट्स, ना डाउनलोड करना है नोट्स ना नोट्स बनाने की जरूरत है। ठीक है, ना नोट्स बनाएंगे ना नोट्स डाउनलोड करेंगे। आपका काम वीडियो को एक बार सुन लिया आपने अगर, ठीक है, एक बार वीडियो को सुन लिया समझ लिया, ठीक है, आप उसके बाद सीधा स्टेप टू पाएंगे मॉक टेस्ट देने, क्योंकि ये सब काम करेंगे कुछ फायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्या होता है इसमें, आपको घर जाना है, ठीक है, घर जाने का एक रास्ता है, आप उसी रास्ते को बार बार फॉलो करें, यानी आप रिपीटिव काम करो, एक ही चीज को बार बार करो, रिपीटिव है ना, तो क्या हो जाएगा आपको वो याद हो जाएगा, रिमेम्बर हो जाएगा, है ना। जबकि आपको घर जाने का 10 रास्ता है, 10 रास्ता आपको मैं 10 दिन में 10 रास्ते से ले जाऊंगा, आपको कोई रास्ता भी याद नहीं रहेगा। सेम चीज होता है नोट्स के साथ, वीडियो एक बार देख ले तो ऑडियो वीडियो के इंप्रेशन माइंड को ऐसा लगता है कि वो एक बार याद हो जाती है, और उसको अगर आप सेम चीज को दो बार दिखा देंगे तीन बार दिखा देंगे ऑडियो वीडियो को याद कर लेता है दिमाग, जबकि नोट्स में भी सेम चीज लिखा रहता है बट माइंड को ये लगे कुछ नया चीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये चीज समझाया कि आप सिर्फ द वीडियो सुनिए, कोर्स कंप्लीट हो गया, मॉक टेस्ट दीजिए। अब हम आएंगे मॉक टेस्ट के ऊपर। स्टेप टू क्या है, प्रूफ करने की जरूरत है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमारा पढ़ाई कितना अच्छा है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। हमने इसमें क्वेश्चंस का लेवल हाई रखा हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चंस आप जब देंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई है। इसमें ध्यान रखना है कि मिनिमम आपको 2 मॉक टेस्ट देना और मैक्सिमम आपको 3 मॉक टेस्ट देना, ज्यादा मत दीजिएगा मॉक टेस्ट प्लीज, क्योंकि ये आपका टाइम कंज्यूम करता है, ये ध्यान रखना है। अगर आपको जहां भी 50% मान लीजिए लगातार 2 में 50 आके रुक जाइए, ठीक है, मान लीजिए पहले 50 नहीं बट के 2 में आगे 50 तो आपको रुक जाना है, 2 में आ गया 50 बस फुल स्टॉप। अब हम आएंगे, आपने वीडियो कोर्स करके मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो हम अटेम्प्ट 1 बोलते हैं, पहली बार दे रहे हैं, तो पास करने वाले लोग जो होते हैं वो 50% है, यानी वीडियो कोर्स पढ़ा और सीधा मॉक टेस्ट देने आ गए, 50% लोग पास कर रहे थे, और ये कहाँ चले जाएंगे स्टेप 3। ठीक है, ये सारे लोग चले जाएंगे स्टेप 3, बट इसमें 50% लोग फेल भी कर रहे हैं, जो फेल कर गए हैं वो वापस स्टेप 1 में आएंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है, और रिपीट क्या करेंगे, ये वीडियो कोर्स को पढ़ेंगे थोड़ा, कौन सा पढ़ेंगे वर्जन 1। ठीक है, ये खत्म हो गया, तो फिर से आप जब रिपीट करोगे वापस से अटेम्प्ट 2। ओके, अब यहाँ पे आपको दिखेगा जो पास, अब उसका फिर आप मॉक टेस्ट दोगे। अब जो पास करने वाले लोग हैं 80% से 85% लोग पास कर रहे हैं, अब ये चले जाएंगे स्टेप 3 में, बट मैं मानता हूँ कि भी 15-20% लोग फेल कर रहे हैं, वापस से रिपीट 1 हो गया, अब रिपीट 2 करेंगे, फिर वीडियो कोर्स पढ़ेंगे और उसके बाद आके मॉक टेस्ट देंगे। अब आइए अटेम्प्ट 3। अब यहाँ पे जो पास करने वाले लोग हैं वो हो जाएंगे बढ़ के 95% लोग, ठीक है, और जो पास करके वो आ जाएंगे स्टेप 3। सिंपल से स्ट्रेटेजी को आपको अडॉप्ट करना है। स्टेप नंबर 3 पे आएंगे, वो क्या है, स्टेप नंबर 3 पर आइए, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन बैंक।
ठीक है, क्या हो गया क्वेश्चन बैंक आप देखिए, क्वेश्चन बैंक में कितना सेट है, 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक है, 6,000 सेट का प्रीवियस ईयर है, फिर हो जाएगा 6,000 सेट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, फिर हो जाएगा 1,500 सेट का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। बुझ गए, समझ गए, ये चीज रहेगा, क्लियर होगी बात। इस तीन तरीके से करेंगे तो आपका बहुत नंबर बढ़ेगा, और ये करते हैं अगर आप, तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं, मैं कार्बन कॉपी में बोल रहा हूँ, वो 25% से 30% के बीच का रहता है, यानी ये करने से इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, आपके नंबर बढ़ गए 10-15 मार्क्स ऐड हो गए, ठीक है। अगर 50 नंबर भी ला रहे थे तो जोर 10 नंबर भी आ गया, 60 नंबर आ गया। बट सीक्वेंस में करना, पहली क्वेश्चन में नहीं पढ़े हैं, मॉक टेस्ट दे देना, कुछ नहीं मिलेगा, जैसे सीक्वेंस बताया हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको क्रम में पढ़ाई करना है। चलिए, हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो गया वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो गया अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल वीडियोस, तीसरा हो गया लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस वीडियो, चौथा हो गया नोट्स पीडीएफ में, पांचवा हो गया 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा पीडीएफ में, छठा हो गया 30 मॉक टेस्ट, ठीक है। ये सारा आपका कोर्स कंटेंट है। अब इसमें आपको दिखेगा कि एक लाइफ टाइम वैलिडिटी का कोर्स हो गया, दूसरा हो गया सिक्स मंथ वैलिडिटी का कोर्स है। यहाँ हो गया आपका JAIB, तो प्रिंसिपल्स हो गया इसका दाम है 800 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे इसका दाम है 1000 रुपये, इसका दाम है यहाँ 1500 रुपये। लीगल करेंगे तो इसका दाम है यहाँ 800 रुपये और इसका दाम है यहाँ 1200 रुपये। कॉम्बो पैक करेंगे, यानी हम बात कर रहे हैं ऑल थ्री पेपर्स का, इसका दाम है यहाँ 2000 रुपये और इसका दाम है यहाँ 3000 रुपये। मर्जी जो चाहे आप कोर्स कर सकते हैं। फिर भी कुछ डाउट है तो उस संबंध में भले ही आप फोन करके पूछ सकते हैं, कॉलर्स नंबर है 9508536524, या फिर आप वेबसाइट पे जाके वहीं से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। वेबसाइट है www.jaibcaibmadeeasy.com, ईमेल आईडी हो जाएगा
एस आई डबल डी एस आई एन एच ए 123 @gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।